हे गाइस, स्वागत है आज एक न्यू वीडियो में आप सभी लोगों को। तो अभी समय है 2 पहर का, पूरा का पूरा 1:30 बज चुका है। तो मैं वीडियो अभी शुरू कर रहा हूँ। तो मैं इतना देर के बाद क्यों शुरू कर रहा हूँ और क्या प्रॉब्लम मेरा साथ हुआ था, ये मैं आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले मेरा फ़ोन है, फ़ोन का नाम है ओप्पो A15। और इस फ़ोन का स्टोरेज है 128 GB, ठीक है। और मैं 2 दिन पहले 16 तारीख और 17 तारीख में मैंने जितना कुछ वीडियो बनाया सभी कुछ मैं एडिटिंग कर नहीं पाया, ठीक है। अभी एक वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से जो मेरा स्टोरेज है ना वो फुल है और मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने वीडियो को क्लिक करता हूँ या देखता हूँ, वीडियो बना करके शूट करके देखता हूँ, ये वीडियो सेव ही नहीं होता। तो मैंने देखा यार जा करके, तो वीडियो नहीं हुआ था। तो जितना कुछ मेरा पर्सनल फ़ोटो था, कुछ वीडियो था, कुछ यूट्यूब का वीडियो मैं डाउनलोड करके रखा था, ढेर सारा कुछ ऑडियो और कॉल रिकॉर्डिंग, मैंने बहुत कुछ ऐसा डिलीट कर दिया। और इतना सभी कुछ डिलीट करने के बाद अभी मेरा फ़ोन का स्टोरेज कम हो गया, अभी 119 GB है, ठीक है। और कुछ है भरने के लिए, तो मुझे वीडियो भी एडिटिंग करना है, एक्सपोर्ट करना है फिर से। तो मैं कोई बात नहीं, कर लेंगे। और आपको आज ऐसा कुछ वीडियो मिलेगा, मैं हवाई यात्रा करने का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो मैं किस तरीके से हवाई यात्रा किया था और मेरा साथ क्या कुछ परेशानी हुआ था, सभी कुछ मिलेगा। तो आज है महाशिवरात्रि का दिन, तो मैं हमारे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पर मैं गया था और मैं वहाँ पे दिया जला करके आया हूँ, जो शिवलिंग पे मैंने वो दूध भी डाला था। तो सभी कुछ मैंने किया था यार। मैं रेडी हो चुका हूँ एक शिव मंदिर पे जाने के लिए। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर की दूर पे वो शिव मंदिर है। और मैं जिसको मिलने के लिए यहाँ पे आया था वो चला गया यार, तो दुख भरी कहानी यार। हाँ, मैं जिसको मिलने के लिए आया था वो लड़की नहीं था, लड़का ही था, वो नवगाम चला गया। गाइस, आप लोग देखिए दूर पे, वहाँ पे कुछ दुकानें हैं और वहाँ पे शिव मंदिर है और यहाँ पे है बहुत बड़ा तालाब है। हाँ, पहले ठीक ठाक ही था, अभी इसको फिर से डेकोरेशन कर रहा है, फिर से मरम्मत कर रहा है बांध को। तो अभी चलिए थोड़ा सा आगे जाता हूँ मैं और आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे और आगे क्या कुछ हो रहा है। मैं पहुँच चुका हूँ शिव मंदिर के पास, पहले मैं पीछे बहुत दूर पर था। हाँ, अभी यहाँ पर लोग देखिए कितना सारा लोग है ना। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं रुकेंगे, यहाँ से मैं चला जाएंगे अभी। उस समय के बाद हमारा घर के पास जो शिव मंदिर है उसको भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अभी वहाँ का नज़ारा कैसा कुछ है, कैसा दुकानें हैं, मेरा पीछे देखिए यहाँ पे भी दुकानें हैं, सेम ही है तो हमारा घर के पास जैसा ही, लेकिन यहाँ पर रात पर भावना नहीं है, हमारा शिव मंदिर पर भावना है। गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर के पास जो शिव मंदिर है और मैं वहाँ पर आ चुका हूँ। और अभी सबसे पहले मैं आप लोग को आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कौन सी जगह पे हमारा घर का मोटर लगाया था। गाइस, मैं इस जगह पे हमारा घर का मोटर लगाया था, इस जगह पे, ठीक है। और मोटर को मैंने इस जगह पे रखा था, पाइप को वहाँ पे, और नदी का भी हालत देखिए, पानी है ही नहीं। हमारे घर के पास जो शिव मंदिर है यहाँ पे भी सेम ही है, दुकानें हैं और लोग है। हाँ, तो आप लोग नज़ारा देखिए, हाँ कितना सारा लोग है। तो अंदर पे तो मैं नहीं जाएंगे, बाहर से ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देख लिया आप लोगों ने, ये हमारा गांव का ही बंदा है। तो यहाँ पे भी लोग देखिए, कुछ दुकानें हैं, हाँ, और पास देखिए कितना सारा दुकानें हैं। और आगे मैं नहीं जाएंगे अभी, चलिए मैं जाता हूँ अपने घर, क्योंकि हमारा घर का दादी घर में है, दादू पापा मामी बहन सभी कुछ मंदिर पर है। और मुझे घर जा कर के घर भी देखना पड़ता है, कोई कोई मेहमान आता है। हमारा गांव का कुछ लड़की आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ, वो प्यारी सी है, अच्छी है, तो यही है। अभी यहाँ पे जितना सारा लड़की है ना सभी कुछ 9-10 क्लास पे ही है और स्मार्ट लड़की है। चलिए मैं कुछ लड़की को आपको दिखा दिया, ये हमारा गाँव का ही है। तो अभी मैं जाता हूँ अपने घर, मेरा बाइक यहाँ पर है। चलिए मैं शाम के समय पे फिर से आ जाएंगे यहाँ प्रसाद खाने के लिए। और अभी जाता हूँ घर, चलिए आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। और मैं और सनग्लास और मास्क इसलिए लगा करके रखा हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ।
तो इसलिए मैं लगा करके रखा हूँ क्योंकि हमारा गांव का लोग मुझे बहुत ताना मारता है। और मैं मास्क लगा करके रखा हूँ, सनग्लास लगा करके रखा हूँ, इसलिए मेरा मैंने दूसरों को देखता ही नहीं हूँ, खुद को देखता हूँ। हाँ, अभी मेरे पास एक लड़की है, इसको कुछ खिलाने के लिए मैं बड़ा किया था, इसको भी कुछ खिलाने वाला हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपनी गाँव के लोगों के सामने वीडियो बनाया यार। हाँ, कभी कभी मैं बना लेता हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत हिम्मत किया था क्योंकि अभी जो मैं पैंट पहना हुआ हूँ ना, छोटा शॉर्ट पैंट पहना हुआ हूँ, और मैंने सनग्लास लगा के रखा हूँ, मास्क लगा करके रखा हूँ, ये अजीब सा है। तो हाँ यार, तो मेरा काम ही है वीडियो बनाना, तो मुझे वीडियो बना करके आप लोग को दिखाना चाहिए, ये तो बात है। लेकिन हमारा गाँव का जो लोग है ना, वो अजीब सा है और हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी सपोर्ट करेंगे वो लोग, जब मेरा हाँ वो लोग मुझसे सुनेंगे ना मेरा वीडियो देख करके, उन लोग को पता चलेगा कि हाँ जदुमुनी ने यूट्यूब से उसको पैसा मिलता है। तब जब देखेंगे ना, तब उन लोगों को सभी लोगों को पता चलेगा। एक लोगों को पता चलने से बाकी सारा उसने दूसरों को बोलेगा, उसने भी दूसरों को बोलेगा, तब मेरा बारे में सभी गाँव में फैल जाएगा। हाँ, जदुमुनी को पैसा मिलता है यूट्यूब से, वो यूट्यूब में वीडियो देता है, हाँ उसका वीडियो में तुम निकल जाओ यार, ऐसा करो, ऐसा कुछ। बाकी कुछ दिन के बाद वो लोग सपोर्ट करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, मुझे पता है। दोपहर का खाना खा लिया, पालतू कुत्ता को दे दिया, बिल्ली अभी तक आया नहीं, लापता कैसे हो गया किसी को नहीं पता, मम्मी को भी नहीं पता, पापा को नहीं पता, दादू को नहीं पता, दादी को नहीं पता। अभी मेरा कंधों पे देखिए बहुत लंबा वाला वायर है, तो क्योंकि इसलिए मैं कंधों पे ले करके रखा हूँ। अभी जहाँ पे मोटर लगा हुआ है ना, उन जगह से पीछे वाला तालाब तक ये वायर मुझे बिछाना है, ये वाला मोटर, इसको मैं पीछे लेके जाएंगे। यहाँ से सभी कुछ खुल करके पूरे का पूरा गार्डन की बीचों बीच दो तालाब है ना, एक तालाब में लेके जाएंगे। पहला काम हो गया मेरा वायर बिछाना, वायर मैंने बिछा दिया, ठीक है। और मोटर के पास से पीछे वाला तालाब तक जितना दूर तक मेरा वायर है। यहाँ पे देखिए लास्ट पे हो गया एक स्प्रिंकुलर, हाँ ये हमारा साई गार्डन देखिए, जो केला का ये लाइन आप लोग को देखने के लिए मिला है ना, यहाँ पे इनके 500 स्प्रिंकुलर लगा दिया हूँ। अभी देखिए सिस्टर लोग क्या कुछ कर रहा है। तो मेरा हाथ पे देखिए कुछ इसको राजमा बोलते हैं समय में, अभी ये पकाया हुआ है और इसको मैं अभी खा रहा हूँ। और वहाँ पे भी कुछ बना रहा है ऐसा कुछ ही आलू यहाँ पे दे करके। यहाँ पे और एक सिस्टर इसको पत्ता गोभी और आलू काट रहा है रात में खाना खाने के लिए। तो मुझे क्या हो गया पता नहीं यार, उल्टी आने का संभावना है, तो होने वाला है शायद। तो सभी कुछ मोटर यहाँ पे लेके आया, ठीक है। पाइप को मैंने डिलीवरी पाइप को जो पानी में बिछा दिया, वायर का कनेक्शन मैंने कर दिया, पाइप भी सभी कुछ बिछा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने सभी कुछ निपटा लिया, काम गर्म चला गया। एक घंटे ऐसा कुछ हो गया है, कारण आने का नाम ही नहीं ले रहे, और मुझे उल्टी आने का कुछ हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है मुझे। और हमने जो कुछ चीज़ें खाए थे ना, मैं तो मैं पहले अंकों का घर में जा करके वो खाया इसकी वजह से। और जिसने भी खाया था, एक लड़की ने, वो उल्टी कर ही रहा है, अभी इस बार मेरा बारी है। डेफिनेटली सभी कुछ काम मैंने कर लिया, हाँ करण आया 3 या 4 मिनट ऐसा कुछ हुआ, और मैंने मोटर को ऑन कर दिया और वहाँ पे लास्ट पे जा कर के मैंने ढक्कन भी लगा दिया, सभी कुछ हो गया है लगभग। इसको अभी या 2-3 बजे तक चलाएंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, और आज मैंने एक खास वीडियो अपलोड किया हूँ मेरा ज़िंदगी का। तो क्या ही बताऊँ यार, आप लोग वीडियो देखो, देखो के बताओ। मैं जितना हो सके कोशिश किया उस वीडियो में वीडियो बना करके आप लोग को दिखाने के लिए, लेकिन वीडियो बनाने में मुझे बहुत रुकावट आया। जो जिस दो एयरपोर्ट पे मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ, और मैं सूर्यपुर पे वीडियो बनाया, और जहाँ तक मैं वीडियो बना नहीं सकता हूँ वहाँ पे नहीं बनाया, जहाँ पे बना सकता हूँ वहाँ पे बनाया। सो आप लोग वीडियो देखो और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। गुड मॉर्निंग गाइस, सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैंने इसलिए बोला अभी रात का समय है 12:29 AM, ठीक है, और आज है 19 फरवरी। तो मैं वीडियो अपलोड करके मंदिर पे गया, वहाँ पे अभी भावना हो रहा है। तो मैंने कुछ समय देखा और दोस्त लोगों से मिला और चलाया, क्योंकि मुझे नींद पूरा करना है और मेरा शरीर को ध्यान रखना है, और कल मेरा काम है।
इसकी वजह से जो भी कुछ हो आज का ब्लॉग में समाप्त करता हूँ। और आप लोगों को कैसा कुछ लगा बताना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। तो कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों।